हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 सारणिक की प्रश्नावली 4.5 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर डिटेल में वन शॉट में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े से बड़े नंबर में हर साल गारंटी के साथ आता ही आता है। पुरानी एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज का नाम 4.6 था, लेकिन नई एनसीईआरटी बुक में 4.5 है। चलिए इसे वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक चैप्टर नंबर जो 4 है सारणिक की प्रश्नावली 4.6 नई एनसीईआरटी बुक में, ये प्रश्नावली 4.5 है, इसे वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी प्रश्नों को पढ़ने से पहले जो इसके कॉन्सेप्ट है वो पहले हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले देखो बच्चों कि हमारे हमको ना रैखिक समीकरण दिए जाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास 3 रैखिक समीकरण हैं, ठीक है, और इनका हमें हल निकालना है। वो है a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है, और ये है d1 बराबर। अगला है a2x प्लस b2y c2z बराबर d2, a3x b3y c3z बराबर d3। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है और ये तीसरा समीकरण है। इस तीनों समीकरणों को हमें हल करना है किस विधि से, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वाली विधि से, यानी कि हम मैट्रिक्स का जो व्युत्क्रम निकालते हैं उन उसकी मदद से हमें इसको हल करना है। किसके मान निकालने, हमें इस एक्स के, वाई के और जेड के मान निकालने। तो आप जानते हैं चूंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है ए, अगर हमारे पास 3 समीकरण दे रखे हैं तो मैट्रिक्स बनाने के लिए एक्स वाई और जेड के जो गुणज है उसको हम लिख देते हैं। ये हो जाता है a1, ये b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। उसके बाद जो एक्स होता है कैपिटल एक्स, वो होता है यहाँ से एक्स वाई जेड, और अगला जिसे हम कहते हैं 22, ये क्या होता है d1 d2 d3, ठीक। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं कि a और x को अगर गुणा करें और बराबर रखें b के, देखो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ गुणा करें और इस मैट्रिक्स के बराबर रखें और तुलना कर दें तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी। तो ax बराबर हमें हमारे पास होता है b, और हमें इस x का मान निकालना है। तो a जब इधर से इधर आता है दोनों तरफ a इनवर्स से जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो x बराबर होता है a इनवर्स b। a इनवर्स निकालने के बाद जब हम b से गुणा करते हैं और फिर तुलना करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड के मान निकल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे मेन पार्ट होता है a इनवर्स निकालना है ऐसे प्रश्नों में। और a इनवर्स निकालना इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने डिटेल में सीखा भी है, समझा भी है और जाना भी है, ठीक है, ये चीज़ तो हम जानते ही हैं। ओके, ये चीज़ हम सीखेंगे। अब ये जो समीकरण होते हैं हमारे पास, इन समीकरणों के हल हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक संगत हल होता है और एक होता है असंगत हल, ठीक है। संगत हल में भी 2 प्रकार के होते हैं, वो हम जान लेते हैं पहले। संगत हल को अंग्रेजी में कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो संगत हल क्या होता है, जिसका एक के एक से ज़्यादा हल होता है। देखो मैं अगर परिभाषा लिख दूँ, यदि किसी निकाय का एक या एक से अधिक हल है तो उसे संगत निकाय कहते हैं, ठीक है। जब हल होगा तो उसे हम संगत हल कहेंगे, संगत निकाय कहेंगे, ठीक है। इसके अगर मैं इसके कंडीशन की बात करूं, 2 कंडीशन होती है, ठीक है। नंबर 1 इधर लिख देते हैं और इस तरफ लिख देते हैं नंबर 2। नंबर 1 क्या हो, देखो, यदि
सारणी ए का मान ज़ीरो ना आए तो अद्वितीय हल होता है, यूनिक हल। एक्स वाई जेड के एक ही मान आएंगे, अद्वितीय हल होगा। ठीक, नंबर टू केस क्या है, यदि सारणिक ए का मान जीरो आ जाए, ठीक है, तथा उसके साथ साथ ये भी जरूरी है, तथा एडजॉइंट ए कि जब हम गुणा कर देंगे बी के साथ और वो भी जीरो आ जाए तो अनंत हल होता है। तो क्या होता है, अनंत हल होता है। ये कंडीशन बहुत जरूरी है, ये और ये दोनों होने चाहिए, तब जाके आपका अनंत हल होगा। ठीक, इसमें एक हल होता है, इसमें अनंत हल होते हैं। अब जो अगला वाला टॉपिक है असंगत निकाय, असंगत में क्या होता है, कोई हल नहीं होता। यदि यदि निकाय का कोई हल ना हो, तो उसे असंगत हल या असंगत निकाय कहते हैं। ठीक, अब इसकी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, कंडीशन क्या होती है, यदि सारणिक ए का मान जीरो है और एडजॉइंट ए गुणा बी इसका मान जीरो नहीं आया है, ठीक है, इसका मान जीरो नहीं आया है, ऊपर वाले में जीरो होता है, तो कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक, इतनी चीज आपने जान ली, समझ ली। अब हम आते हैं हम प्रश्न पर, ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्रश्नों पर। देखो सारे प्रश्न एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन अगर रिपीट टाइप के आएंगे तो उसे हम स्किप कर देंगे, ठीक है, आपको होमवर्क दे देंगे, पहले बता दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों एक से छः तक की दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। एक से लेकर छः तक देखना है, संगत है या असंगत ये सिर्फ बताना है, हल नहीं करना है, ठीक है, संगत असंगत बताना है। तो पहले वाले में आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन दिया है, जैसे एग्जाम में लिखना है ना बिल्कुल वैसे लिखेंगे, हमें दिया है, क्या दिया, पहला समीकरण दे रखा है एक्स प्लस के दो वाई बराबर दो, और अगला में दे रखा है टू एक्स प्लस के तीन वाई बराबर तीन, ठीक है, ये समीकरण नंबर दूसरा दे रखा है। तो ये लिखेंगे, माना जो आपका ए होगा, एक्स का गुणज क्या है, कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर वाई का गुणज है दो, इधर एक्स का गुणज है दो और इधर वाई का गुणज है तीन, ठीक है, ये हमारा ए हो गया। ठीक, उसके बाद एक्स क्या होता है, यहाँ पर एक्स और वाई है, ये हमारा एक्स हो गया कैपिटल, और बाईस क्या है हमारे पास, बाईस हमारे पास टू और थ्री है, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या देखना होता है, अब हम देखेंगे सारणिक ए का मान। ठीक, सारणिक बनाओ, वन टू टू थ्री, इसकी गुणा इसके साथ एक तिया तीन, और इसकी गुणा इसके साथ, तो ये माइनस के एक आ गया जिसका मान जीरो नहीं है। ठीक, चूंकि सारणिक ए का मान जीरो नहीं है इसलिए कैसा होगा, संगत होगा, संगत और असंगत बताना है। ठीक है, जब सारणिक ए का मान जीरो नहीं आता है तो क्या होता है, संगत होता है और अद्वितीय हल होता है। पहला वाला हो गया, अब आते हैं दूसरे नंबर पर। कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा जरूर देखें, पहला हो गया, दूसरे पे आ जाओ। देखो दोस्त, जब तक क्वेश्चन आप खुद नहीं बनाओगे एक आध, तो तब तक आपको आपका कॉन्फिडेंस मिलेगा ही नहीं। जब अगर आप एक क्वेश्चन देख रहे हो तो दो क्वेश्चन खुद से बनाने की चेष्टा जरूर करो, ठीक है, तभी आपको गणित आएगी। टू एक्स
माइनस वाई बराबर ये हमें दे रखा है 5, अगला है एक्स प्लस का वाई हमें दे रखा है 4। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। माना ये हमारे पास क्या है, x का गुणज 2, y का गुणज कुछ नहीं है तो माइनस 1, एक्स का गुणज 1, y का गुणज कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, ये a है, x हमारे पास क्या होता है x और ये y, और उसके बाद हमारे पास 22 क्या है, 5, 4। हालांकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन एग्जाम में लिख के ज़रूर दिखाना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है ये, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। इसलिए अब हमें सारणिक a का मान निकालना है, ये 2 है माइनस 1, 1, 1, इसके गुणा इसके साथ 2 एक कम 2, माइनस इसके गुणा इसके साथ 1 कम 1, तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3। ठीक है, चूंकि सारणिक a का मान 0 नहीं है, अर्थात संगत है। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तीसरे नंबर पे आ जाओ, तीसरे नंबर, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास सेम टू सेम। ठीक है, इसी प्रकार हमें दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमारे पास, हमें दे रखा है एक्स प्लस का 3 वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है, और दूसरा हमें दे रखा है 2x प्लस का 6y बराबर 8। ठीक, माना ये हमारे पास क्या है, x का गुणज कुछ नहीं, देख यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 6, यहाँ से 5 और ये 8। ठीक, इसीलिए सारणिक a निकालो, 1, 3, 2, 6, इसकी गुणा इसके साथ 6 कम 6, इसकी गुणा इसके साथ 3 दुनी 6, क्या गया 0। ठीक है, ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब जैसे ही 0 आ जाए तो आपको क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है। तो लिखेंगे चूंकि सारणिक a का मान 0 आ गया, ठीक है, तो अगला स्टेप क्या निकालना है हमें, अगला स्टेप आप जैसे ही सारणिक a 0 मिले, अगले स्टेप में आपको सारणिक और मतलब जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, ये अगला स्टेप होगा आपका, जब जब आपका सारणिक आपको 0 मिलेगा। चलिए निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट a के लिए, ठीक है, एडजॉइंट a के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, a11 a12 a21 a22, ये सब चीज़ें आपने 4.3 4.4 में सीखा होगा, नहीं एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ठीक है, तो जोड़ने भी अगर प्लस आता, सम आता तो प्लस लगाते हैं और विषम आने पर माइनस लगाते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम छुपाना है, तो यहाँ आगे जाएगा 6, फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाना है, ये आ जाएगा 2, फिर दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक, ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा और ये एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में आएगा। ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए ये हो जाएगा 6 माइनस का 2 माइनस का 3 1। अब हमें क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, एडजॉइंट ए गुणा बी। ठीक है, ये हमें करना होता है, तो करते हैं, ये 6 माइनस 2 माइनस 3 1, और हमारे पास 22 कितना है, 22 हमारे पास था 5, 8। ठीक, तो आपको पता ही है दोस्त, यहाँ से रो लेना होता है और इधर से कॉलम लेना होता है गुणा करते वक्त, है ना। 6 बन जाए कितना होता है,
देखो 56 30 और 3 6 18, फिर आ जाओ 2 5 10 1 8 8, तो ये आ जाएगा 30 में से 18 घटाओगे, सॉरी 8 3 24, 18 कैसे लिख दिया, 3 6 3 8 24 है ना, 24, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा -2। ये जो मैट्रिक्स है वो 0 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, 0 मैट्रिक्स के बराबर है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि सारणिक ए आपको 0 मिला था और एडजॉइंट ए गुणा बी ये आपको नॉन जीरो मिला है, ठीक है, जब नॉन जीरो आता है तो क्या होता है, असंगत होता है, अतः यह असंगत है, ये क्या है दोस्त, अतः ये आपका क्या है, असंगत है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले वाले नंबर में, चौथे नंबर में, ठीक चौथे नंबर में आ जाते हैं, चौथे नंबर में क्या है दिया है वो लिख लेते हैं, दे रखा है हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, फिर आपको है 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, अगला हमारे पास है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस 2az बराबर 4। शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा जो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके लगे ना वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है, ये अंदर की बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे आप मानना ए एक्स का गुणज कुछ नहीं तो 1, वाई का गुणज कुछ नहीं तो 1, जेड का गुणज कुछ नहीं तो 1, यहाँ से 2 3 2, यहाँ से ए 2a, एक्स के स्थान पर हमारे पास होगा एक्स वाई जेड और हमारे पास 22 हो जाएंगे हमारे 1 2 4, और आपको तो पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, हर साल बड़े नंबर में आता है, अभी वैसा क्वेश्चन अभी आया नहीं है, अभी आने वाला है, अगर ये सीखेंगे तो ही तो वो कर पाएंगे। अब अगला स्टेप क्या होता है, चूंकि सारणिक ए हमें निकालना होता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप जानते ही होंगे कि ये वाला प्लस का होता है, ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का होता है, ठीक है, तो देखो ये 1 पहला रो पहला कॉलम छुपेगा तो यहाँ अंदर बचा 3 2 a 2 a, फिर माइनस यहाँ पर गुणज है 1, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे 2 2 a 2 a, फिर आपका प्लस का 1 आ जाएगा, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे 2 3 a a, ठीक है, अब इसको हल करो, ये हो जाएगा 6 a और ये हो जाएगा 2 a, 2 2 4 a माइनस का 2 a, 2a माइनस का 3a, तो कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा 2a, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2a और यहाँ से आ जाएगा माइनस का a, तो कुल मिला के सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का a बचेगा जो कि 0 नहीं है, जो कि 0 नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा, जब 0 नहीं आता तो आसान होता है, क्योंकि सारणिक a का मान 0 नहीं है इसलिए निकाय संगत है, अगर ये 0 आ जाता तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता, हमें क्या निकालना पड़ता, एडजॉइंट निकालना पड़ता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले वाले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5वें में,
वेरी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास है, ठीक, इसको कर दें, दिया है, समीकरण जो दे रखे वो लिख लेते हैं। देखो, 3x माइनस के वाई माइनस के 2z बराबर 2, फिर है वाई 2y माइनस जेड बराबर माइनस का 1, फिर है आपका 3x माइनस के 5y बराबर 3। ये तीन समीकरण हमें दे रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वाले में x नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 0x, और इस वाले में z नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 0z, ठीक। चूंकि आपके पास A मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3, y का गुणज माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से 0, 2 और यहाँ से माइनस का 1, 3 माइनस 5 0, फिर आपका आ जाएगा x, ये हो गया x, y, z, और 22 क्या है हमारे पास, 2 माइनस 1 3, ओके। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सारणिक निकालना है। सारणिक में क्या होता है, ये वाला चिन्ह प्लस का, फिर ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहां लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करो, 3, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ 2 गुणा 0 0, इसकी गुणा इसके साथ है 5 आ जाएगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का 1, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, ठीक है, 0 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 0 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 3 6, तो यह आ जाएगा 5 थी माइनस के 15, और यह आ जाएगा 3, और यह आ जाएगा माइनस 6 प्लस के 12, तो 15 में से 15 घटाएंगे 0 आ जाएगा, देखो ये आ गया 0। अब जैसे ही 0 आता है आपको एडजॉइंट निकालना पड़ता है, सारणिक ए आपको क्या मिला है, 0, तो अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक। एडजॉइंट के लिए आपको ट्रिक पता ही है, अब यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखो एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए, तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा A11 A12 A13, आपको पता ही है जोड़ने पे सम आने पे प्लस लगता है, विषम आने पे माइनस। देखो ट्रिक क्या है कि जब हम प्रसार करते हैं तो ये वाला A11 होता है, ये वाला A12 होता है, और ये वाला A13 होता है, ये मैंने पहले की एक्सरसाइज में भी आपको ट्रिक समझा रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5, ये आ जाएगा प्लस का 3, सामने माइनस लगा पड़ा है, और ये माइनस का 6, ठीक है, तो ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आता है, ओके, ये हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा A21 A22 A23, ओके, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा A31 A32 A33। सो देखिए ये चीज़ हमें निकालनी है ना, तो मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास है 3 माइनस 1 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, मैट्रिक्स है, क्योंकि ऊपर से नीचे करने में आपको दिखेगा नहीं। अब ये चीज़ अगर मैं डिजिटल बोर्ड पर करवाता ना तो आप उतना बेहतर समझ नहीं पाते जितना आप बेहतर कॉपी में समझोगे,
ठीक है। देखो अब क्या है, दूसरे रो को छुपाना है, 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, दूसरा रो पहला कॉलम छुपा दिया, ठीक है ये दिखा। अब आपकी आंखों के सामने करूँगा, देखो और चिन्ह तो लगाया नहीं हमने, विषमान पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो इसके गुणा इसके साथ, 1 × 0 0 और 2 × 5 = 10, माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 × 0 0, 2 × 3 = 6 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, छुपा दिया, 3 × 5 = 15 माइनस का, और 3 × 1 = 3 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा माइनस के 12, माइनस बाहर है तो ये प्लस के 12 हो जाएगा, ये हमारे दूसरे कॉलम में आएगा। ठीक, अगला क्या है हमारे पास, अगला हमारे पास है 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाया, इसकी गुणा इसके साथ, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4 माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया 5। तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 × 1 माइनस के 3 और 2 × 0 0, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 × 2 = 6 माइनस 1 × 0 0, तो ये 6 आ गया, ये हमारे में आ जाएगा तीसरे कॉलम में। ठीक है, अतः एडजॉइंट है, क्या हो जाएगा, ये पहले कॉलम में आ जाएगा माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6, ठीक, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा 10 6 और ये 12, और ये तीसरे कॉलम में आ जाएगा 5 3 6। ठीक है, बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना, गुणा करना होता है अगले स्टेप में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें गुणा करना है एडजॉइंट गुणा भी, ठीक, इनको करना है, तो एडजॉइंट एडजॉइंट बी हमारे पास, सॉरी एडजॉइंट ए हमारे पास है माइनस 5 10 5 माइनस 3 6 3 माइनस 6 12 6, ठीक, और बी हमारे पास है 22 हमारे पास है, कितना 22 हमारे पास था 2 − 1 = 3, गुणा करना तो आपको आता ही होगा, यहाँ से हम रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं, पाँच दुनी 10 6 + 6 5 × 3 = 15 3 × 2 = 6 6 + 6 = 3 × 3 = 9 6 × 2 = 12 12 × 1 = 12 6 × 3 = 18, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5। एक सेकेंड, 5 × 2 = 10 10 × 1 = 10, ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 6, ठीक, तो ये मैट्रिक्स का मान 0 बिल्कुल भी नहीं है, तो लिखो कि चूँकि सारणिक ए का मान 0 है और एडजॉइंट ए गुणा बी इसका मान नॉन जीरो है, ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, अतः यह असंगत है, अतः यह असंगत है, तो इसका हल नहीं कर सकते हम, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने 1 से लेकर 5 तक बनाया, आपको 6ठा क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है, 6ठा पार्ट ये मेरी तरफ से होमवर्क है, प्लीज़। देखो दोस्त, अगर अब कई बच्चे बोलते हैं, कई तो नहीं, कुछ ही बच्चे बोलते हैं, सर आपने होमवर्क क्यों दे दिया, आपने क्यों नहीं कराया। देखो दोस्त, आपको एग्ज़ाम में खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ मैं नहीं आऊँगा, अगर आप क्वेश्चन देख के क्वेश्चन एक बना नहीं पा रहे हो तो क्या सीख रहे हो, खुद से पूछो आप क्या सीख रहे हो, कुछ सीख पा रहे हो,
कुछ सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो। तो अगर 5 क्वेश्चन मैंने बनाया और एक आपको इससे मिलता जुलता ही मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो आपके भले के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कराऊंगा, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, 1-2 ऐड और आ जाएंगे, मेरा वीडियो चल जाएगा। तो ज़्यादा ज़रूरी है आप क्वेश्चन एक बनाओ, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे खुद से तब तक कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब ये जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में ना 3-3 वाले प्रश्न आते हैं हल करने के लिए, 3-3 समीकरण। जैसे क्वेश्चन नंबर ये जो 15वां है, 13वां है, 14वां है, इस टाइप के प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आते ही आता, आएगा ही आएगा, ये तो आपको पता है, हर साल एग्ज़ाम में आता बड़े नंबर में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अव्यय विधि से हल कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, देखो ये 7, 8, 9, 10 सेम क्वेश्चंस, चारों के चारों एक जैसे होंगे, ठीक है। तो 7वां करते हैं पहले, 7वें में आ जाओ। हमें दिया है, क्या दिया है उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले 5x प्लस 2y बराबर कितना है, 4 है। ये पहला समीकरण दे रखा है, और अगला वाला दे रखा है हमें 7x प्लस 3y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो भाई एक बार दोबारा ज़रूर देखना है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से। तो देखो, माना हमारा ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x का गुणज 5, y का गुणज 2, यहाँ से कितना 7, यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक। फिर देखिए आपका जो x हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से x और y, और जो 22 हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 और 5। अब की बार हमें इसको हल करना है, और हल करने वाला मेथड आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था, ठीक है ना। x बराबर a इनवर्स b, तो a का हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा, और आप जानते हैं a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट a अपॉन सारणी के, ठीक, यह आप भली बात ही जानते होंगे। सो देखिए यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले हमें सारणिक तो चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक, तो मैं सारणिक निकाल लेता हूँ। 5, 2, 7, 3 गुणा करेंगे, 5 3 15 7 2 14 आ गया 1। चूँकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब 0 नहीं आता है तो ए इनवर्स निकलता है, ये आप जानते हो, 0 आने पे इनवर्स नहीं निकलता है, ठीक। अब ये चीज़ तो हो गई, अब हमें एडजॉइंट चाहिए होगा ना इनवर्स निकालने के लिए, तभी हम हल कर पाएंगे। तो देखो अब यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, देखो जो मेरा तरीका होता है वो सबसे आसान तरीका है, ये तरीका आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, और ये कोई शॉर्टकट भी नहीं है, पूरे नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं। अब यहाँ देखो आप जोड़ने पे, सम होने पे प्लस लगाते हैं और विषम होने पे माइनस, तो पहला रो पहला कॉलम छुपाओगे क्या आ गया 3, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे क्या आ जाएगा 7, फिर दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओगे 2 आ जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे 5 आ जाएगा, ठीक। आपको पता है ये पहले कॉलम में लिखते हैं और ये दूसरे कॉलम में, इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ये आ जाएगा 3 माइनस के साथ, ये आ जाएगा माइनस का 2, 5, ठीक। अब क्या है दोस्त, अब हमें x निकालना है, x बराबर हम जानते हो क्या होता है, a इनवर्स b होता है, ठीक। तो पहले हम निकाल लेते हैं, चूंकि a इनवर्स बराबर जिसका सूत्र होता है एडजॉइंट a बट्टे सारणिक a, सारणिक a का मान 1 है, ठीक है ना, एडजॉइंट a कितना आया था 3 माइनस 7 माइनस 2 5। अब हर एक पद को जब एक से भाग दोगे तो वही आ जाएगा ऊपर जो है, हर एक पद को एक से भाग दे दिया, ये हमें ए इनवर्स मिल गया, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारे पास कितना है, 3
माइनस दो, माइनस सात, पाँच, और बी हमारे पास 22, क्या है 4, 5, गुणा करना आता होगा। इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, 3 चौके 12, 2 पंजे 10, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 चौके 28 और 5 गुणा 5 पावर से 25। ठीक, तो ये हम 12 में से 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 3। अब हमें तुलना करनी है, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स वाई, और इधर है 2 माइनस 3। संगत पदों की तुलना करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, जब दो मैट्रिक्स बराबर होता है संगत पदों की तुलना होती है, एक्स बराबर आ जाएगा 2 के और वाई बराबर आ जाएगा -3 के, और ये हमें हमारे निकाय के हल एक्स और वाई के मान आराम से मिल गए। ये 2×2 ऑर्डर वाले हैं, ठीक है, ये 2×2 ऑर्डर वाले हैं, आ गया। अब 8वां 9वां 10वां बाकी तीनों भी ऐसे ही होंगे, एग्जैक्टली कोई परिवर्तन नहीं है, बाकी तीनों भी ऐसे ही होंगे। चलो मैं और एक कर देता हूँ आपकी खुशी के लिए, ठीक है, 7वां गया 8वां भी करते हैं। देखो 8वें पे आ जाओ, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, 8वां भी ऐसे होगा, 9वां भी ऐसे होगा, 10वां भी ऐसे होगा, ठीक है, तो करते हैं 8वां। क्या दिया है, 2x-ky बराबर -2, और अगला है 3x+4y बराबर 3। ये a है, x हमारा क्या होगा xy, और 22 हमारा क्या होगा -2, 3, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये निकालते हैं, सबसे पहले हम सारणिक a निकालते हैं, सारणिक a निकालेंगे, यहाँ पर है 2-1, 3, 4, तो 4×2 8 और 1×3 3, 8×3 क्या हो जाएगा 11, सारणिक ए का मान 0 नहीं है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। और आप जानते हैं चूंकि ए एक्स बराबर बी होता है, तो एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी, और आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए, ये आप जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले एडजॉइंट ए निकाल देंगे, एडजॉइंट ए के लिए, ठीक, एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, a11 a12 a21 a22, सम संख्या होने पे प्लस लगता है, जोड़ने पे विषम होने पे माइनस, तो 3 विषम है माइनस लग जाएगा, 2×2 4 सम है प्लस लग जाएगा। अब आ जाओ 1 1, पहला रो पहला कॉलम छुपाओगे क्या बचा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे क्या दिख रहा है 3, यहाँ लग जाएगा 3, यहाँ 2 1 है, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओगे क्या दिख रहा है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे क्या दिख रहा है 2 2 आ जाएगा, ये आएगा आपके पहले कॉलम में और ये आपका आएगा दूसरे कॉलम में, ठीक, इसलिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा पहले कॉलम में 4-3, ये लग जाएगा दूसरे कॉलम में, इसलिए ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के। तो एडजॉइंट ए कितना आया हमारे पास 4-3, 1, 2, सारणी ए का मान कितना है 11, यहाँ पे 11 रख दो, ये हमें ए इनवर्स मिल गया, ठीक है, ये हमें ए इनवर्स मिल गया। अब हमें निकालना है हल, हल के लिए
हल के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है? एक्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बी होता है, यही तो सूत्र होता है। तो देखो एक्स बराबर ए इनवर्स का मान कितना है, देखो ये एक के बट्टे में ग्यारह रखो, ठीक, और ए इनवर्स का मान कितना है, चार माइनस तीन एक दो, और बाईस का मान हमारे पास है माइनस के दो तीन, ठीक। इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम, गुणा करना आपको आता ही होगा, ग्यारह इधर रखो बट्टे में वाला, चार दुनी आठ, एक दिया तीन, फिर तीन दुनी छः, माइनस माइनस प्लस दो दिया छः, ठीक। तो आठ में तीन घटाएंगे पाँच, और छः अच्छे हो बारह, और ये जो ग्यारह है इसके बट्टे में आ जाएगा और इसके बट्टे में, ठीक है। लास्ट में जो भी होता है उससे सब में भाग देते हैं, और इधर एक्स, एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स हमारे पास होता है एक्स वाई, तुलना करेंगे इस मैट्रिक्स के, इस मैट्रिक्स के साथ संगत पदों की तुलना हो जाएगी, एक्स बराबर हमें मिल जाएगा माइनस के पाँच बट्टे ग्यारह, और वाई बराबर मिल जाएगा हमें बारह बट्टे ग्यारह। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम आसान तरीका है, आराम से हो गया। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। तो देखो बच्चों सेम चीज़ बार बार करके आप बोर हो जाओगे, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जैसे सातवां और आठवां हुआ, डिक्टो 9वां और 10वां भी ऐसे ही होगा। तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, इसको आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। 9वां और 10वां हमारी तरफ से होमवर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 10वां 12वां 13वां 14वां इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आता है, और एक आता ही आता है, हर साल आता है, हर साल बार बार। तो 11वां करते हैं, ठीक है, 11वां करते हैं, थोड़ा अजीब है लेकिन ये 3x3 वाला ही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, 2x2 के चांसेस बहुत कम है, 10% चांस है कि आएंगे 2x2, 90% से भी ज़्यादा चांसेस है, 90 के 100% मान के चलो 3x3 वाला ही एग्जाम। ये तीन समीकरण हमें दे रखी है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तीसरे वाले में x नहीं है, तो मैं इसको 0x लिख सकता हूँ, 0x, ठीक है। माना देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x का गुणज 2 है, y का गुणज 1, z का गुणज 1, इसका गुणज x का 1, y का माइनस का 2, z का माइनस 1, x का इधर कुछ नहीं तो 0, y का 3, z का माइनस 5। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है एक्स वाई जेड, ठीक, और बाईज हमारे पास क्या है, बाईज हमारे पास 1, 3/2 9 है। आप जानते हो ना कि ए एक्स किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है, तो एक्स बराबर क्या होता है, इधर आ जाता है इनवर्स बी होता है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, आप ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए, ठीक, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ए का क्या निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे, तो यहाँ पर है 2 1 1, देखो 3x3 ऑर्डर वाला है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है लेकिन आसान बहुत है, ये आप जानते हो। प्रसार करेंगे, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करोगे यहाँ प्लस का 2 है, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, 2×5 10, माइनस माइनस प्लस, 3×1 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का 1, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 1×5 माइनस के 5, माइनस 1×0 0, फिर आ जाएगा प्लस का 1, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 1×3 3, माइनस 2×0 0, ठीक। तो ये आपको पता है, ये आ जाएगा 2×13 माइनस के 5 3, ठीक है, तो ये जाएगा 13×26,
ये चीज़ आपको A11, A12, A13 देती है, ठीक है, ट्रिक्स में। और यह आ जाएगा प्लस के 5 और यह आ जाएगा 3, ठीक है, तो कुल मिला के आ जाएगा ये 34, जो कि 0 के बराबर नहीं है। चूंकि सारणिक A का मान 0 नहीं है, इसलिए A इनवर्स का अस्तित्व है, A इनवर्स आराम से निकलेगा, ठीक है, A इनवर्स निकलेगा। तो A इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए, तो यहां लिखेंगे एडजॉइंट A के लिए A11, A12, A13। फिर आपको चाहिए होगा A21, A22, A23 और आपको चाहिए होगा A31, A32, A33। जोड़ने पे सम आने पे प्लस लगाते हो, विषम आने पे माइनस, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये हमारा माइनस है। अब देखो, मैंने आपको टिप्स बताया ना, ये A11 होता है, A12 होता है और ये A13 होता है। लगाओ 10 और 3 13 आ जाएगा ये वाला, और ये माइनस के 5 प्लस हो जाएगा, और ये होता है 3 है, तो कुल मिला के 13 5 3, ये आपके एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा, ठीक। उसके बाद देखो आप, ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ से 2 1 है ना, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, ठीक। तो 1 5 यहाँ पे माइनस के 5 और 1 3 3, तो -8 और ये माइनस सामने, तो प्लस के 8 हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा कॉलम छुपाएंगे, छुपा दिया, तो 2 × -5, इसके गुणा इसके साथ होता है, 2 5 - 10, ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 1 × 0, देखो इसकी गुणा इसके साथ आएगी, 1 × 0 0, तो ये आ जाएगा -10। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 3 6 और दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 3 6 1 × 0 0, तो ये माइनस हमने लगाए, माइनस का 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में। नेक्स्ट 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, 1 1 - 1, ठीक है, 1 1 - 1, तीसरा रो पहला कॉलम, और 1 2 - 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 में से 1 कटेंगे, 1 आ जाएगा। तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 - 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 1 - 2, 1 1 - 1, -3 ये हो जाएगा +3, ठीक। उसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 2 - -4, तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 2 - 4, 1 1 - 1, तो ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा एडजॉइंट के तीसरे कॉलम में, ठीक है, एडजॉइंट के तीसरे कॉलम में आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, अतः एडजॉइंट ए ये आ जाएगा 13 5 3 पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में आ जाएगा 8 माइनस के 10 माइनस का 6, फिर आ जाएगा 1 3 - 5, ठीक है जी, आराम से देखिए, कहीं पे भी डाउट हो ना एक बार दोबारा देखना है। अब आ जाओ अगले स्टेप में, अतः ए इनवर्स जिसका सूत्र होता है एडजॉइंट ए
बट्टे सारणी की। ठीक, एडजेंट ए हमारा क्या निकला है, और सारणिक ए हमारा आया था 34, यह 13 5 3। ठीक, ये हमें हमारा ए इनवर्स मिला है, ये हमें हमारा क्या मिला है, ए इनवर्स। इसलिए एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है। एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। अब हम मान रखेंगे ए इनवर्स कितना है हमारा, 1/34 इधर कर लो, और यह है 13। और 22 हमारे पास कितना था, 22 हमारे पास था 1 3/2 9। ठीक, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। गुणा करो, देखो 13 1 13 2 4 8 4 3 12 और 1 9 9 5 1 5 2 5 10 5 3 15 9 3 27 3 1 3 और 3 2 3 3 3 -9 और 5 9 45। ठीक है, देखो ये गुणा गुणा तो आपको आना चाहिए ना, बेसिक चीज़ें हैं। तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जोड़ने पे 34, यहाँ पे आ जाएगा कितना 17, और यहाँ पे आ जाएगा -51। और ये 34 है, 34 से सब में भाग दो। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 34 1 34 17 1 17 17 2 34 और 17 3 51 17 2 34। और x का मान क्या होता है, एक्स वाई जेड। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तुलना कर दोगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 1/2 हो जाएगा, और z बराबर -3/2। ठीक, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को रिपीट मोड में पूछा जाता है, रिपीट मोड में सेम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का 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 आएगा ही आएगा, बड़े नंबर में, सबसे बड़े नंबर में आता है। 12वां क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। देखो ये हमारे 3 समीकरण दे रखे हैं, इसको हमें अवयव विधि से हल करना है। तो देखो जो दिया है वो हमने लिख लिया है, अब यहाँ से हमें बनाना है। तो देखो माना करके लिखते हैं हम, माना ये हमारे पास क्या है, एक्स का गुणज 1, वाई का गुणज -1, जेड का गुणज 1, इधर 2, वाई का गुणज 1, यहाँ से -3, यहाँ से 1, यहाँ से 1, और यहाँ से भी 1 गुणज। एक्स में आ जाओगे, एक्स आपके पास है एक्स वाई जेड, वाइज आपके पास क्या है 4 0 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आप जानते हो कि भैया ए एक्स बराबर बी के बराबर होता है, इसके और इसके गुणा करेंगे और बी के बराबर रखेंगे तो फिर से हमें यही मिल जाते हैं। और एक्स बराबर ए इधर आके क्या होता है, ए इनवर्स बी, ठीक है, ए इनवर्स बी होता है। तो हमें ए इनवर्स निकालना है सबसे पहले, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले सारणिक ए निकालना है। चूँकि सारणिक ए हमारे पास है 1 -1 1, फिर 2 1 -3। तो प्रसार करना है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और ये प्लस का होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष। तो ये 1, इसको और इसको छुपाया, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, 3 1 3 --+, फिर माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा। पहला और दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 1 2 3 1 3 माइनस का माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, फिर आपका आ जाएगा प्लस का 1। पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 2 1 2
एक एक कम एक, तो यहाँ से आ जाएगा चार पाँच एक, तो चार प्लस पाँच प्लस एक, तो ये आ जाएगा दस, ठीक है, जो कि ज़ीरो नहीं है। लेकिन चूंकि सारणिक ए का मान ज़ीरो नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगले स्टेप में क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ए के लिए क्या आ जाते हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री। फिर हमें निकालना होता है ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ठीक। उसके बाद ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। जोड़ने पे सम आने पे प्लस लगाते हैं और विषम आने पर माइनस। चिन्ह हमने लगा दिया, आपको ट्रिक्स मैंने पहले ही बता रखा है कि ये वाला होता है ए वन वन, ये ए वन टू और ये ए वन थ्री। ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री यहाँ से मिलता है आपको फट से। तो यहाँ से आ जाएगा चार, यहाँ से आ जाएगा पाँच, और यहाँ से दो में से कटेंगे एक, ठीक। तो ये आएगा पहले कॉलम में एडजॉइंट के, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आ जाइए, देखिए ए टू वन निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है ए टू वन। तो देखो दूसरा रो छुपा दिया, दूसरा रो छुपा दिया, पहला कॉलम छुपा दिया, ठीक। इसके गुणा इसके साथ माइनस एक कम एक, एक कम एक, तो माइनस का दो और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक। फिर टू टू, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, एक एक कम एक, और दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, एक एक कम एक, तो ये आ गया ज़ीरो। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये छुपेगा, एक एक कम एक, और माइनस एक कम माइनस एक, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस के दो, ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में, ठीक। फिर आ जाइए यहाँ पर थ्री वन, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तीन कम तीन, एक कम एक, तो ये आ जाएगा तीन में से एक घटाएंगे दो आ जाएगा। फिर देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम, एक तिया माइनस तीन और एक दूनी दो, माइनस माइनस प्लस के पाँच। तीसरा रो तीसरा कॉलम, एक कम एक और एक दूनी माइनस के दो, माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा तीन, तो यह आ जाएगा तीसरे कॉलम में। एडजॉइंट निकालने थोड़ा टफ काम है, बाकी तो सब आसानी है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होगा अगले पेज में, अगले स्टेप में, इसीलिए एडजॉइंट ए। यह आ जाएगा पहले कॉलम में चार माइनस पाँच एक, ठीक। यह आ जाएगा दूसरे कॉलम में टू ज़ीरो माइनस का टू। फिर अगला ये आ जाएगा दो पाँच तीन, दो पाँच तीन। ये हमें हमारा एडजॉइंट ए बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हल निकालते हैं ना। चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए, ठीक, यही होता है सूत्र। अब यहाँ मान रखो तो एडजॉइंट ए हमारे पास है चार दो दो, माइनस पाँच ज़ीरो पाँच, एक माइनस दो तीन, और सारणिक ए का मान हमारे पास कितना आया था दस, ठीक है, ये दस आया था। अब देखो x बराबर क्या है, a इनवर्स b है हमारे पास, x बराबर a इनवर्स b है, ठीक। तो मान रखेंगे a इनवर्स कितना है, एक बट्टा दस, यह चार दो दो,
और 22 हमारे पास कितना था, 402। ठीक, यहाँ से हम लेंगे रो और यहाँ से हम लेंगे कॉलम। ठीक है जी, अब हल करो। 4 चक्कू 16, 2 गुणा 0 0, 2 दुनी 4, 5 चक्कू 20, 0 गुणा 0 0, 5 दुनी 10, 1 चक्के 4, 2 माइनस 2 गुणा 0 0, 3 दुनी 6। यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा माइनस के 10, यह आ जाएगा 10। हर एक पद को 10 से भाग देना है, तो यहाँ जाएगा 10 दुनी 20, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, और इधर है एक्स का मान एक्स वाई जेड। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तुलना कर देंगे पदों की, एक्स का मान आ जाएगा 2, वाई का मान -1, जेड का मान 1। आराम से बन गया, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो ये वाला भी हो गया, जैसे ये वाला हुआ ना ऐसे ही आपको 13 और 14 खुद से बनाना है। 15 और 16 मैं कराऊंगा, ठीक है, लेकिन 13वां और 14वां क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इन दोनों प्रश्नों को आपको खुद बनाना है और कमेंट में एक्स वाई जेड के आंसर क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 14 का मुझे ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स याद कीजिए, ठीक है। ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखो यहाँ पर 2 माइनस 3 5 है, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4, 3 2 माइनus 4, 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2। तो इसका जो a बनेगा और ये जो a दे रखा है वो सेम टू सेम दे रखा है, तभी ये बोल रहा है कि इसका प्रयोग करके इसको हल कीजिए, ठीक है। तो पहले हमें a इनवर्स निकालना है और उसके बाद इसका हल करना है, जो कि बहुत आसान है और क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारा ही कौन सा ही है, 15वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। दिया है जो वो हम लिख लेते हैं। समीकरण दे रखा है 2x माइनस का 3y प्लस के 5z बराबर 11, 3x प्लस का 2y माइनस के 4z माइनस के 5। फिर हमें दे रखा है x प्लस y माइनस का 2z माइनस के 3, ठीक। ये चीज़ हमें दे रखी है और हमें क्या दे रखा है, सीधा सीधा a दे रखा है ना, जो मानते थे, अब के बारे में मानना नहीं है क्योंकि डायरेक्ट दे रखा है 2 माइनस 3 5। ठीक, ये चीज़ दे रखा है और हमारे पास x क्या हो जाएगा, x y z, और 22 क्या हो जाएंगे, 11 माइनस 5 माइनस 3, 11 माइनस 5 माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सारणिक 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4, 1 1 माइनस 2, ठीक। आपको प्रचार करने पे ये प्लस का लेना होता है, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक। तो हम यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक। तो ये प्लस का 2 छुपाएंगे, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, तो 2 दुनी माइनस का 4, 4 एक कम 4 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ठीक। फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 दुनी माइनस का 6, 4 एक कम 4 माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा 5, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 एक कम 3 माइनस 2 एक कम 2, तो यह आ जाएगा 2 गुणा 0, 3 गुणा माइनस 2, 5 गुणा 1, 0 2 3 6, 5 एक कम 5, यानी कि माइनस का 1 1, ठीक है। चूंकि सारणिक ए का मान
ज़ीरो नहीं है, इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, ए इन्वर्स का अस्तित्व है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए क्या आ जाएगा, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ठीक। उसके बाद आ जाएगा ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, फिर ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। जोड़ने पे अगर प्लस का आता है तो, और सॉरी सम का आता है तो प्लस लगता है, विषम आने पे माइनस। ठीक है, हमने फट से लगा दिया। और आपको पता है ये वाला क्या होता है, ए वन वन, ये वाला ए वन टू, ये वाला ए वन थ्री होता है। तो ये आ गया ज़ीरो, यहाँ से आ गया माइनस का टू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा वन। तो ये आता है पहले वाले कॉलम में एडजॉइंट के, ज़ीरो माइनस टू एक। ठीक, अब आ जाएंगे ए टू वन। ठीक है, ए टू वन, तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे ऐसे, तीन दुनी छः, माइनस माइनस प्लस, पाँच एकम पाँच, तो यह आ जाएगा एक, ये हो गया माइनस का एक। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो दो दुनी माइनस का चार, पाँच एकम पाँच, माइनस का नौ। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, दो एकम दो, तीन एकम माइनस तीन, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस के पाँच। फिर आ जाओ तीसरा रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे, तो तीन चौके बारह और पाँच दुनी दस, ये आ जाएगा दो। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, दो चक्कू आठ और पाँच दिया पंद्रह, आठ और पाँच तेरह, ये हो जाएगा माइनस के तेईस, माइनस माइनस प्लस के तेईस। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, दो दुनी चार, दो दुनी चार, तीन तिया नौ, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा तेरह। ये आएगा दूसरे वाले कॉलम में और ये आएगा तीसरे वाले कॉलम में। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए ये हो जाएगा ज़ीरो दो एक, फिर आपका है माइनस का एक, माइनस का नौ, माइनस का पाँच, फिर आपका है दो तेईस तेरह। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब सही है ना सब कुछ, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए, अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। एडजॉइंट ए तो यही आपके ऊपर आंखों के सामने देख रहे हैं, सारणिक ए का मान हमने कितना निकाला था, सारणिक ए का मान आया था माइनस का एक, कितना आया था माइनस का एक। तो माइनस से हर एक पद को गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, बस क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस का है उसको प्लस कर दो। ये हमें हमारा ए इनवर्स मिल गया, पहला आंसर। ठीक है, अगले स्टेप में हमें हल निकालना है। तो हम जानते हैं चूंकि एक्स होता है ए इनवर्स बी, क्या होता है ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स जस्ट अभी आपने निकाला है और बी आपको बाईस आपको दे रखे हैं, एक्स आपका होता है एक्स वाई जेड। इनवर्स कितना है हमारे पास, ज़ीरो एक माइनस दो, और बाईस हमारे पास है ग्यारह माइनस पाँच माइनस तीन। ठीक है,
ये 22 है। अब गुणा करना आपको आता होगा, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। 0 × 11 = 0, 1 × 5 - 5, 2 × 3 = 6, 11 × 2 = 22, 9 × 5 = 45, 23 × 3 = 69, माइनस माइनस प्लस, 11 × 1 = 11, 5 × 5 = 25, 13 × 3 = 39, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 3, इधर से एक्स वाई जेड। तुलना कर देंगे दोनों मैट्रिक्स में, संगत पदों की, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं हमारे आखिरी वाले प्रश्न में, ठीक है, आखिरी वाले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोला, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये, 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये, 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये, आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य, प्रत्येक किलोग्राम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में माना, ठीक है, प्याज गेहूँ चावल है, माना प्याज कॉमा गेहूँ तथा चावल का प्रति किलो मूल्य एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ठीक है। चावल प्याज का हमने माना एक्स, गेहूँ का हमने माना है वाई और चावल का हमने माना है जेड, ठीक है, हर एक किलो का। तो प्रश्नानुसार पहले में क्या बोला गया, 4 किलो प्याज यानी कि 4x, फिर 3 किलो गेहूँ यानी कि 3y और 2 किलो चावल यानी कि 2 किलो 2z, इनका जो मूल्य है वो हमें दे रखा है 60 रुपये। फिर क्या बोला गया है, 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल का मूल्य है 90, और उसके बाद आखिर वाले में क्या बोला गया है, 6 किलो प्याज, ठीक है, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल, मूल्य कितना बोला गया है, 70 बोला गया, ठीक है। यहाँ से देखिए समीकरण बना दिया हमने, आप भी अब आप भी विधि से इसको हल कीजिए, एक्स वाई जेड के मान निकालिए जैसा अभी तक हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये लिखेंगे माना, ये हमारे पास क्या है, 4, 3, 2, फिर ये 2, 4, 6, ठीक है, यहाँ पर है 6, 2, 3, फिर आपका आ जाएगा x, x हमारे पास क्या है, x, y, z, और 22 हमारे पास क्या है, 60, 90, 70, ठीक। इसीलिए सबसे पहले हम निकालेंगे सारणिक, ठीक, ये हमारा प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, प्रसार कर देंगे, 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या हो जाएगा, देखो 1 के सापेक्ष करोगे तो 4, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, 4 × 3 = 12 और 6 × 2 = 12 = 0 हो जाएगा, माइनस का 3, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 2 × 3 = 6, 6 × 36, प्लस का 2 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, यहाँ से बचेगा 30, ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा, 4 × 3 = 1 सेकेंड,
अरे 2 3 6 6 36 30 बजेगा, 30 30 90, ठीक है कितना जाएगा 90, और यहाँ से बचेगा 20 माइनस 20 दूनी 40। सही किया ना हमने, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। अब कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्नों को दोबारा ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है ये आ गया 50। अब देखो चूंकि सारणी ए का मान 0 नहीं है इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हमें क्या निकालना होता है आपको पता है, ये A11 देता है, ये A12 देता है और ये A13 देता है, ठीक है एडजॉइंट ए के लिए A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23 एंड नेक्स्ट हम इसके नीचे निकाल लिख देते हैं A31 A32 A33। जोड़ने पे सम आने पे प्लस लगता है और विषम आने पे माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा ये 0, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 30, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 20, ठीक। तो ये हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारे पहले वाले कॉलम में आएंगे। नेक्स्ट अब हमें निकालना है, क्या निकालना है चार तीन दो। अब देखिए मैं आपको दिखा दूँ, A21 मैंने मैट्रिक्स लिख लिया है, ठीक है दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, ठीक है तो 3 3 9 और 2 2 4, तो यहाँ से 9 में 4 काटेंगे 5, माइनस के 5 आ जाएगा। फिर A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, ठीक है 4 3 12 और 2 6 12, तो यह आ जाएगा 0। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे तो 4 2 8 और 3 6 18, तो ये आ जाएगा माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा दूसरे कॉलम में। फिर आ जाओ 3 1 है ना, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो 3 6 18, 3 6 18 2 4 2 8, तो यहाँ से आ जाएगा 10। तीसरा रो दूसरे कॉलम छुपाएंगे 4 6 24 और 2 2 4, तो माइनस के 20 आ जाएगा। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम 4 6 16 और 3 2 6, ये आ जाएगा प्लस के 10, ठीक है तीसरे कॉलम में हमें ये लिखना है। अब हम आ जाएंगे एडजॉइंट निकालने में, इसलिए एडजॉइंट ए ये पहले कॉलम में आएगा 0 30 माइनस के 20, अगले कॉलम में आ जाएगा 5 माइनस के 5 0 10, और ये आ जाएगा 10 माइनस के 20 10, ठीक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, इसलिए ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। सारणिक ए का मान हमारा था 50 और एडजॉइंट ए जस्ट अभी आपने निकाला है 0 - 5 10, ठीक। अब एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान रखो ए इनवर्स, अभी जस्ट देखो 50/50 है, यहाँ 1/50 रखो, ये है 0 - 5 10,
ठीक, और 22 हमारे पास था 60, 90, 70। यहाँ से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। गुणा करेंगे, 0 × 60 0, 5 × 9 45, पीछे से 0, और 10 × 70 700, 6 × 3 18, पीछे से 2 0, 0 × 90 0, 7 × 2 14, पीछे से 2 0, 6 × 2 12, पीछे से 2 0, 10 × 9 90, और ये 7 × 7, पीछे से 2 0, ठीक। अब आप देखो यहाँ से 700 में से 450 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 250। फिर 1800 में से 1400 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 400। और 1600 है ये, 1600 में से 1200 घटाओगे 400 आ जाएगा। हर एक पद को 50 से भाग देना है, ठीक है। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 25 5, 5 × 8 = 40, 5 × 8 0 × 5 = 40, और 0 × 5 = 40। ठीक है, तो यानी कि हमें दो मैट्रिक्स की तुलना करेंगे संगत पदों की। अब x का मान 5 आ जाएगा, y का मान 8 आ जाएगा, और z का मान भी 8 आ जाएगा। आपने क्या माना था, यानी कि 1 किलो प्याज का कीमत कितना आएगा, 5 रुपये, 1 किलो गेहूँ का कीमत 8 रुपये, और 1 किलो चावल की कीमत भी 8 रुपये आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमने सॉल्व कर ली है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बड़े नंबर में, बड़े से बड़े नंबर में, सबसे बड़े नंबर में एक आता ही आता है हर साल। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करा रखे हैं, सारा कुछ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो लिस्ट प्लेट को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, जैसी भी लगी हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए।